हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीबल्स। कैसे चल रहे हैं आप सभी की तैयारी? आज हम करने जा रहे हैं एक ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयन माउंटेन सिस्टम। सबने इसके बेसिक्स ऐसे पढ़े होते हैं, हमारे ग्रेट हिमालयंस हैं, देन वो मिडल हिमालयस आते हैं, पर बच्चों को फॉर्मेशन का कई बार पता नहीं होता कि हिमालयस माउंटेन बने कैसे थे, इनका फॉर्मेशन क्या था। तो वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कैसे हमारे हिमालयस फॉर्मेशन कैसे हुई थी, इनका ओरिजिन कैसे हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि जहाँ पे मैंने क्या लगाई हुई है, कुछ चार पिक्चर्स लगाई हुई हैं, बाद में मेरा क्या कुछ एक आपको वर्ल्ड का मैप दिख रहा है, आगे पीछे भी आपको मैप दिख रहे हैं, पर समझ नहीं आएंगे ये क्या है। कि प्रेजेंट आपको पता है कि हमारा जो वर्ल्ड का मैप है, ये ऐसा मैप है, बट आपको 65 साल पहले पता है कि कैसा था, 130 मिलियन ईयर्स पहले पता था कि कैसे था, 200 मिलियन ईयर पहले आपको पता था कि हमारा कैसा था वर्ल्ड का मैप। जहाँ से हमारी शुरुआत करते हैं हम, 200 मिलियन साल पहले से, उस समय क्या था कि जो कॉन्टिनेंट थे टोटल और ओशियन थे, वो हमारे कॉन्टिनेंट टोटल क्या थे, एक दूसरे के साथ क्या थे, कनेक्टेड थे, ठीक है। और इंडिया हमारा कहाँ था, इंडिया हमारा कहाँ था, साउथ में था, जे वाला हमारा क्या था, इंडिया था। देन आगे क्या आता है, 130 मिलियन साल पहले क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, ये ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं। कौन कौन से, पेंजिया को ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, किसमें, दो पार्ट में। उसको हमने नाम दिया था क्या, लोरेशिया एंड गोंडवाना, ठीक है, लोरेशिया एंड गोंडवाना। देन ये भी हमारे क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते थे। उसके बाद सेपरेट होने के बाद मीन्स कि ये मूवमेंट इनकी स्टार्ट हो जाती है, मूवमेंट मूवमेंट का मतलब जहाँ पे ये है कि ये चलना स्टार्ट हो जाते हैं, एक दूसरे आगे पीछे निकलना शुरू हो जाते हैं। क्या ये आज भी हो रहे हैं? हाँ, ये आज भी इनकी मूवमेंट हो रही है। ये इनकी मूवमेंट कैसे हो रही है, इनकी मूवमेंट मैं आपको आगे बताता हूँ, हमारी कैसे मूवमेंट इनकी चल रही है, ठीक है। देन आप देख रहे हो प्रेजेंट में हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट जहाँ पे इंडिया, ये टोटली कनेक्टेड हो चुका है किसके साथ, हमारा जहाँ पे रशिया के साथ, रशिया बोलते हैं हम इसको इकट्ठा, यूरोप और रशिया वाला रीजन। अब जहाँ पे देख रहे हो, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी आपको, जहाँ पे गैप है, ठीक है, जहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा गैप है, जहाँ पे क्या है, पानी है। पर जहाँ पे अब देख रहे हो अपना, जहाँ पे अभी जो हमारा इंडिया है मेन, उसके जहाँ पे कुछ भी हमारा क्या है, वाटर नहीं है, सीधा कनेक्टेड हुआ हुआ है। मीन्स कि एक टाइम था कि जहाँ पे हमारा क्या था, इंडिया और जो ऊपर वाला जो कॉन्टिनेंट दिख रहा है आपको, उसमें क्या था, एक काफ़ी ज़्यादा गैप था। उसको गैप को हम क्या बोलते थे, तैथियस सी, ठीक है, तैथियस सी इसको नाम दिया गया था। क्या दिया गया था नाम, तैथियस सी। क्या हमारे हिमालयस की फॉर्मेशन जो थी वो इससे पहले की थी या बाद में थी, तो आपने याद रखना है कि हमारी जो हिमालयस की फॉर्मेशन थी वो हमारी तैथियस सी के बाद की थी। मीन्स कि जब इसके साथ हमारी कोलिजन हुई, उस समय हमारी क्या हुई थी, फॉर्मेशन हुई थी हिमालयस की। अब जहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारी हिमालयंस की है जो, वो फॉर्मेशन कब हुई होगी, मीन्स कि हमारी हिमालयंस की फॉर्मेशन लगभग 70 साल तक आप मान सकते हो कि प्रेजेंट से हमारे कितने, 70 साल पहले, या फिर आप 60 साल पहले मान के चल सकते हो, ठीक है, तब हुई होगी हमारी क्या, हिमालयंस की फॉर्मेशन स्टार्ट। अब स्टार्ट कैसे हुई थी हमारी हिमालयंस की फॉर्मेशन, जे हमारी जो हमारी क्या चल रही है, जहाँ पे प्लेट्स बोल सकते हो आप, जहाँ कॉन्टिनेंट्स बोल सकते हो, ये कैसे मूवमेंट कर रहे थे, ये हमारा ऊपर की तरफ ही क्यों गया, ये तो कहीं नीचे भी जा सकता था, कहीं आगे पीछे इसके साथ भी कनेक्टेड हो सकता था, ये वहाँ ही क्यों गया। तो ये हमारा क्या होता है कि ये हमारी अर्थ की इंटीरियर के बारे में, मीन्स कि अर्थ की जो इंटीरियर में हमारा मैग्मा बोल सकते हो आप, जो लिक्विड है, उसकी जिस हिसाब से मूवमेंट होगी, ये उसी हिसाब से क्या करती है, ये मूवमेंट करती है। अब वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं, हमारा प्रेशर ग्रेडियंट वगैरह, थर्म टेम्परेचर ग्रेडियंट वगैरह, वो सब आपने कुछ नहीं याद रखना। आप मान सकते हो, सपोज करो आपके पास घर पे एक वाटर की टंकी है, वाटर की टंकी, अब वहाँ पे पूरा लिक्विड फिल हुआ है, ठीक है, ऊपर से आपकी वाटर की टंकी ओपन है, तो आपने ऊपर कुछ रख दिया, ऐसे ही कोई प्लाई वगैरह कुछ ऐसे रख दिए, लकड़ी का वुडन पैनल कुछ रख दिया, तो वो क्या करता रहेगा, फ्लोट करता रहेगा। ऐसे ही सेम केस है हमारे क्या, कॉन्टिनेंट के साथ भी। ये हमारे अर्थ का इंटीरियर है, इंटीरियर में हमारा क्या है, काफ़ी ज़्यादा क्या है, जहाँ पे मोल्टन लावा बोल, ठीक है, मोल्टन मैग्मा, मैग्मा है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा,
तो जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो क्या करते हैं, इनके ऊपर क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। फ्लोट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो हमारी डेंसिटी है, डेंसिटी मीन आप बोल सकते हो कि जो इनकी डेंसिटी है वो क्या है, हमारी कम है, ठीक है। जो हमारी ओशियन है, जो ओशियन वाला हमारा क्या पार्ट है, उससे हमारी क्या है, कम है। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि क्या हमारा कैसे कैसे इनकी आगे जब कोलिजन हुई हमारी तो क्या हुआ। जैसे जैसे अभी चल रहा है आगे आगे, अब जैसे पहुँच रहा है ये हमारा जहाँ पे अभी इंडिया, ये इंडिया अब हमारा क्या चलते जा रहा है, ऊपर की तरफ चलते जा रहा है। जैसे ही हमारी क्या होती है, इसके साथ कोलिजन स्टार्ट होती है, तो हमारी क्या होती है, फॉर्मेशन होती है किसकी, हिमालयस की। मीन्स कि जो हमारे हिमालयस है उसकी आप बोल सकते हो कि अगर जे हमारा क्या है, जे मेरी इंडिया की प्लेट आ रही है, और जहाँ ऊपर वाली क्या प्लेट है मेरी, यहाँ पे हमारी यूरेशिया की प्लेट, ठीक है। जे आप जे दोनों क्या है, हमारे कॉन्टिनेंट की प्लेटें हैं। इनके नीचे हमारा क्या है, जे सारा का सारा हमारा क्या है, जहाँ पे हमारा क्या होगा, नीचे मैग्मा। जे हमारा क्या है, ओशियन, और नीचे एक लेयर आ जाएगी हमारी, कौन सी, ओशियनिक क्रस्ट बोल सकते हो, ठीक है। जे हमारी क्या आ गई, ओशियनिक। और जहाँ पे हमारा क्या है बीच में, आपको पता है मैंने अभी बताया आपको, तैथियस सी हमारा कहाँ है, इसके बीच में। अब आपने देखा होगा कोई भी हमारा कॉन्टिनेंट हो तो वहाँ पे क्या होता है, अगर कोई रिवर्स बह रही हो वहाँ से, कोई रिवर्स हमारी इंडिया, जैसे गंगा की रिवर जा रही है हमारे इंडिया से, वो काफ़ी ज़्यादा सेडिमेंट अपने साथ लेके चलती जाती है। कहाँ पे जाती है, डेल्टा बनाती है हमारा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे इंडिया भी कुछ रिवर्स होंगी जहाँ पे उस टाइम भी जो काफ़ी ज़्यादा अपने क्या सेडिमेंट हमारे तैथिया सी में गिरा रही होंगी उस टाइम भी, और जहाँ से भी हमारे कुछ ज़्यादा क्या होंगे, सेडिमेंट्स होंगे जो हमारे क्या होंगे, जहाँ पे गिरा रहे होंगे, कहाँ से, जो रशिया वाली प्लेट है, इन्हीं को, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जियो सिंकलाइन, ठीक है। जियो सिंकलाइन जे जा रखना अपने, जियो सिंकलाइन क्या होता है कि जितने भी उस टाइम क्या होगी, कुछ रिवर्स होंगी जो हमारी फ्लो कर रही होंगी, कौन सी, तैथिस सी की तरफ, कुछ जहाँ से भी होंगी रिवर्स, वो अपने क्या आगे सेडिमेंट्स अपने साथ लेके जा रही होंगी, तो वो इकट्ठे तो होते ही है जहाँ पे, कुछ ना कुछ तो रिवर के साथ इकट्ठा होता ही है सेडिमेंट्स, ठीक है। ये थी हमारी कौन से 70 साल बोल सकते हो, या 65 साल बोल सकते हो, उस समय की कंडीशन। अब आपको पता है हमारी क्या ये मूवमेंट कर रही है, हमारी किसकी तरफ, हमारी मूवमेंट कर रही है यूरेशिया की तरफ, और जे भी हमारी क्या कर रही थी, नीचे की तरफ आ रही है इसकी मूवमेंट। उससे क्या होगा, जो बीच वाली हमारी ओशियन वाली जो लेयर थी, हमारी ओशियन क्रस्ट वाली लेयर थी, वो क्या करना स्टार्ट हो जाती है, उस पे ऊपर प्रेशर, जमीन आप बोल सकते हो कंप्रेशन लगना स्टार्ट हो जाती है। अगर दोनों साइड से मैं आपको कंप्रेशन दे रहा हूँ तो मीन्स कि ये क्या हो रहा है, नीचे वाली जो बीच सेंटर वाली प्लेट होगी या कुछ भी बीच में होगा, तो वो क्या कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ तो फिर ये हमारी क्या है, ये हैवी प्लेट है। हैवी क्यों है, इसका क्या है, जो डेंसिटी है बहुत ज़्यादा है, ओशियनिक क्रस्ट की हमारी क्या होती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो ये क्या करना स्टार्ट हो जाती है, ये सबडक्ट करना स्टार्ट हो जाती है, मीन्स कि ये नीचे चला जाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। ये हमारी ओशियनिक प्लेट है, तो ये ऐसे ऐसे नीचे जाना इसके स्टार्ट कर देगी, और जहाँ पे जितने भी सेडिमेंट्स होंगे वो क्या हो रहे होंगे उस टाइम, वो हमारे क्या होने, ऊंचे होना स्टार्ट हो रहे थे। अगर तो नीचे ये जा रही है प्लेट, नीचे मैंने आपको क्या बताया, मैग्मा है, मैग्मा जैसे ही इसके कॉन्टैक्ट में आएगा तो ये हमारा क्या पिघलना स्टार्ट हो जाएगी, उस समय ये पिघलना स्टार्ट होगी, देन हमारी क्या होगी, जहाँ से हमारा प्रेशर बिल्ट होना स्टार्ट हो गया, प्रेशर बिल्ट स्टार्ट होने से हमारा क्या होता है, आपको पता है कि वॉलकैनो निकलना स्टार्ट हो जाता है, क्या निकलना स्टार्ट हो जाता है, वॉलकैनो, जहाँ पे हमारी क्या होगी, फिर वॉलकैनो एक्टिविटी स्टार्ट होगी। आपने जा रखना है, जब भी हमारी क्या होगी, ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमारी क्या जब कॉन्टैक्ट में आती है, तो हमारी ओशियानिक जो हमारी क्रस्ट होती है वो नीचे चली जाती है कॉन्टिनेंट के, और वहाँ से अगर नीचे से मैग्मा आएगा, मैग्मे की वजह से हमारा क्या होगा, वहाँ पे वॉलकैनो इरप्शन होगा, तो वहाँ पे हमारी क्या होगी, वॉलकैनो जब इरप्शन होगी तो वहाँ पे हमारी क्या होगी, माउंटेन बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये प्रोसेस हुआ था जहाँ पे क्या माउंटेन बनने का पहला, कब बना था ये, जिस 70 साल पहले, ठीक है। अब याद रखना है कि अगर एग्जाम में कहीं आ जाए कि हिमालयंस में कभी वॉलकैनिक इरप्शन हुई थी, तो आपने आंसर देना है जस हुई थी, कब हुई थी, 70 या 60 ईयर्स अगो, ईयर्स अगो नहीं, सॉरी, मिलियंस ईयर्स अगो, ठीक है। मिलियंस, यहाँ पे जा रखना है, मिलियंस में बात कर रहा हूँ मैं सारी, तो
उसके बाद ये हमारी क्या होगी, एक टाइम ऐसा आया कि ये सारी की सारी ओशियनिक जो लेयर की जो हमारी क्या थी लेयर प्लेट थी वो सारी की सारी क्या होगी, पूरी की पूरी खत्म होगी, मींस की पूरी इसके अंदर चले गई, किसके अंदर, मैग्मा वाले की जो लेयर थी उसके अंदर चले गई। अब जहाँ पे ये हमारे क्या थे, हमारे कुछ सेडिमेंट्स से मैंने आपको बताए, वो सेडिमेंट्स हमारे क्या करने स्टार्ट हो गए, वो हमारे फोल्ड होना स्टार्ट हो गए। फोल्ड मीन्स कि उनके ऊपर भी हमारे क्या ये लेयरें दोनों आपस में क्या करने लगी, प्रेशर बिल्ड करने लगी, ये हमारे जहाँ पे पहुँच गई, ये भी हमारे जहाँ पे, उसकी वजह से जो हमारे जहाँ पे सेडिमेंट्स से वो हमारे क्या करना स्टार्ट हो गए, फोल्ड, उनके ऊपर क्या प्रेशर बिल्ट होना स्टार्ट हो गया, वो कंप्रेस होना स्टार्ट हो गए। उसकी वजह से जहाँ पे हमारी क्या हुई थी, फॉर्मेशन हुई थी किसकी, फोल्ड माउंटेन्स की, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन। सबसे पहले आपने जा रखना है कि क्या हुआ था जहाँ पे फॉर्मेशन हुई थी किसकी, फोल्ड माउंटेन्स की, जो जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुई थी उसकी वजह से हमारा क्या हुआ था, उसकी वजह से हमारे जहाँ पे क्या बने थे, ट्रांस हिमालयस। आपने सबने नाम सुना हुआ है ट्रांस हिमालयस, बट पता नहीं फॉर्मेशन कैसे हुई थी, ठीक है, ये इसका प्रोसेस था फॉर्मेशन का। और क्या हुआ था, जैसे जैसे मैंने अभी बताया कि ये जैसे जैसे हमारी ओशियनिक क्रस्ट वाली जो लेयर थी वो जैसे जैसे खत्म होना स्टार्ट हो गई, ये एट द टाइम हमारे क्या होंगे, कंप्रेस होते होते हमारे सेडिमेंट्स क्या हो गए, इकट्ठे होना स्टार्ट हो गए और अपने ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो गए। किस फॉर्म में, आपको मैं ऐसे बताता हूँ, ठीक है, ये थे और इनके ऊपर दोनों तरफ से हमारा क्या लग रहा था, प्रेशर लग रहा था, तो ये हमारे ऐसे ऊपर उठना स्टार्ट हो गए। कोई बोल सकता है टूटे नहीं ब्रेक तब होता है, अगर हम इस चीज़ को खींचे तब हमारे यहाँ पे फॉल्ट बनेंगे जहाँ पे, ठीक है, वो हमारे अलग केस आएगा, पर जहाँ पे हमारे क्या कंप्रेशन लग रही थी, कंप्रेशन से जहाँ हमारे क्या बन रहे हैं, यहाँ पे फोल्ड बन रहे थे। अब ये प्रोसेस कब हुआ था, ये प्रोसेस बाद में हुआ था कब, लगभग 40 साल बाद, ये हमारे 70 साल तक हुआ था, ये हमारा 40 मिलियन साल बाद हुआ था, ठीक है, 40 मिलियन साल बाद हमारे क्या बने थे, जहाँ पे फोल्ड फोल्ड माउंटेन्स बनना स्टार्ट हुए थे। अब कितनी बारी बने थे, जहाँ पे आपने जा रखना है डूल कंप्रेशन हुई थी, ठीक है, जहाँ पे एक अच्छी से मैंने इमेज दिखाई हुई है, कौन सी कॉन्टिनेंटल और कौन सी हमारी ये ओशियनिक वाली, ये अच्छे से देख लो, कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक जो नीचे जा रही है, और नीचे जाने की वजह से ये हमारी क्या मेल्ट होना स्टार्ट हो रही है, और ऊपर की जगह प्रेशर बिल्ट करके जहाँ पे वॉल्केनिक बना के जहाँ पे अब छोटी सी हमारी क्या बन गई है, हिल बन गई है, अब माउंटेन बोल सकते हो, यही हमारी क्या बने थे सबसे पहले ट्रांस हिमालयस, ठीक है, ये बने थे हमारे क्या ट्रांस हिमालयस। अब जैसे जैसे ये पूरी लेयर खत्म हो गई हमारी कौन सी ओशियनिक वाली, तो जितने भी हमारे जहाँ पे सेडिमेंट्स है वो हमारे क्या उठ होना स्टार्ट हो गए, वो हमारे फोल्ड होना स्टार्ट हो गए, और वहाँ पे उन्होंने क्या बना ली, उन्होंने जहाँ पे क्या बना दी, जहाँ पे माउंटेन्स बना दी, कौन सी हिमालयस, ठीक है, हिमालयस जहाँ पे इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिए 40 ईयर्स अगो। अब जहाँ पे एक और प्रोसेस आप अच्छी सी मैंने इमेज दिखाई है, ये हमारा क्या है इंडिया है, ये क्या है जहाँ पे, ये ओशियन है, ठीक है, इंडियन ओशियन है, ये हमारा इंडिया है, ये हमारे क्या है हिमालयस है, ये मेरे क्या है ट्रांस हिमालयस, ठीक है। अब जहाँ पे आप देख रहे हो ये कौन सी है, इंडिया वाली है, इंडिया वाली प्लेट है, अब नीचे नहीं जा रही ये हमारी कौन सी रशिया वाली प्लेट है। अब ये नीचे क्यों नहीं जा रही, ये क्यों नहीं मेल्ट हो रही, क्योंकि ये दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट दोनों आपस में कभी भी सबडक्ट नहीं करती, सबडक्ट का मतलब जहाँ पे ये है कि एक दूसरे के नीचे नहीं जाएगी, और जहाँ पे मैग्मा मेल्ट क्यों नहीं होगा, इसीलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों की डेंसिटी सेम है, दोनों लाइटर क्या है हमारी प्लेट्स हैं। अब जहाँ पे हमारा क्या बना, सबसे पहले हमारे क्या बने, जहाँ पे पहली कंप्रेशन जब हुई थी, जा रखना, पहले ड्यूल जहाँ पे कंप्रेशन हुई है, ड्यूल कंप्रेशन, पहले जब कंप्रेशन हुई थी तब हमारे बने थे क्या ट्रांस हिमालयस जहाँ पे, देन हमारे सेकंड टाइम हुई थी तब हमारे क्या बने थे माउंटेन्स, मीन्स की जो हमारे हिमालयस बने थे ग्रेट हिमालयस, ठीक है। अब भी अब एक बार ही हो गए यहाँ पे हमारे क्या हिमालयस बन गए, ग्रेट हिमालयस बन गए, फिर क्या, अब तो जगह बची नहीं कोई और सेडिमेंट्स के लिए, तो फिर क्या होना स्टार्ट हो गया, जो हमारी इंडिया वाली प्लेट है वो और प्रेशर लगाते जा रही है, अभी भी लगा रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जहाँ पे और फोल्ड बनना स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, और फोल्ड बनना स्टार्ट हो गए, कौन कौन से फोल्ड बन गए, आपने पड़े हुए कौन कौन से, मिडल और
मिडल पढ़े हैं और आपने क्या पढ़े हैं, लोअर हिमालयस। मिडल पढ़े हैं और आपने लोअर हिमालयस भी पढ़े हुए हैं। ये था इनका प्रोसेस, किसका, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस का। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे कि कौन कौन, आपने जो जो मैंने बोला, जहाँ पे डूल कंप्रेशन हुई थी, वॉलकैनिक एक्टिविटीज हुई थी, और आपने ये दोनों जा रखने अच्छे से, यही एग्जाम में पूछते हैं। इनके बीच में क्या था, इनके बीच में सबसे पहले क्या था, टैथिस सी था, टैथिस सी था, जहाँ पे वॉलकैनिक एक्टिविटीज हुई थी। ये सब आपने इसमें जा रखने हैं। अगर एग्जाम में आपको पूछे तो आपने सीधा इनके आंसर ऐसे देने हैं। अब आपको मैं करवाता हूँ कि ग्रेड हम अब डिवाइड कैसे करते हैं हम हिमालयस को। तो हिमालयस को हम डिवाइड करते हैं, हिमालयस को हम डिवाइड करते हैं फोर इंपॉर्टेंट, कौन कौन से। पहले आ जाते हैं ट्रांस हिमालयस। ट्रांस हिमालयन की जो फॉर्मेशन है वो पहले की हो गई थी, मैंने आपको बता दी कब हुई थी। देन आते थे हमारे कौन से, ग्रेट हिमालयस, ग्रेट हिमालयस। देन थर्ड नंबर पे क्या आए थे हमारे, मिडल, मिडल हिमालयस। और फोर्थ नंबर पे आए हमारे कौन से, आप बोल सकते हैं लोअर हिमालयस। ठीक है, लोअर हिमालयस। एक और जहाँ पे आ जाते हैं हमारे कौन से, पूर्वांचल, पूर्वांचल हमारे। ठीक है, इसको भी लिख लेना, इसी का पार्ट है ये, PURBANCHAL, पूर्वांचल। अब चलते हैं कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हो, जहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहले हमारी कौन सी कोलाइड हुई थी, ये आपने जा रखना है कि वेस्टर्न पार्ट कोलाइड हुआ था कि ईस्टर्न पार्ट। तो हमारा सबसे पहले कौन सा पार्ट कोलाइड हुआ था, वेस्टर्न पार्ट। क्यों कोलाइड हुआ था, क्योंकि जहाँ से हमारा क्या था, ज़्यादा जहाँ से क्या लग रही थी, हमारा थ्रस्ट लग रही थी, कौन लगा रहा था, जहाँ पे हमारी क्या थी, सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन्स है जो वर्ल्ड की, अरावलीस लगा रही थी। आपको पता होगा कि हमारी जब जहाँ पे भी हमारी क्या था, इंडिया था, तब भी हमारी यहाँ पे अरावलीस का पहले ही बनी हुई थी। ठीक है, अरावलीस हमारी पहले की बनी हुई थी, जब हमारा इंडिया जहाँ पे पहुँचा, मीन्स कि जो जहाँ से हमारा ज़्यादा थ्रस्ट लगा रहा था, कौन लगा रहा था, अरावलीस लगा रही थी। तो सबसे पहले जो कोलिजन हुई थी वो हमारे वेस्टर्न पार्ट की हुई थी, देन हमारी किसकी पार्ट की हुई थी, ईस्टर्न पार्ट की। अभी भी हमारा क्या है, आपने देखा होगा कि वेस्टर्न पार्ट सब आगे है और ईस्टर्न पार्ट थोड़ा सा पीछे है। एक इम्पॉर्टेंट नोट आपने जा रखना है कि इसको हम बोलते हैं क्या, सनटैक्सियल बेंड। क्या बोलते हैं इसको, सनटैक्सियल बेंड, ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ पे सनटैक्सियल बेंड आपने जा रखना है। सनटैक्सियल बेंड क्यों इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ों से इंपॉर्टेंट, दो तीन चीज़ों से। एक तो आपने रिवर्स देखी होगी यहाँ पे, कौन कौन से, इंदस, और दूसरी कौन सी, ब्रह्मपुत्रा, दोनों इंडिया में एंटर करती है। इन्हीं वजह से हमारी क्या करती है कि ये हमारी रिवर्स इंडिया में एंटर करती है, सनटैक्सियल बेंड की वजह से। ठीक है, अगर सनटैक्सियल बेंड नहीं होता तो ये एंटर भी नहीं करती। अब पता है ब्रह्मपुत्र जहाँ से आती है, इस तरफ आ रही है, हमारी इंदस आती है, इस तरफ आ रही है, तो ये किसकी वजह से है, जिस सनटैक्सियल बेंड की वजह से ही है हमारा। अब मैंने आपको डिविजन्स करवानी है, मेन इंपॉर्टेंट जो जो मैंने आपको बेसिक करवा दिया इसका। डिवीज़न में हम देखते हैं ग्रेटर हिमालयस, ग्रेट हिमालयस में हमारा सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बाटर था तेथिस सी वाला, वो कहाँ गया। ठीक है, जो बाटर था तेथिस सी वाला, वो कहाँ गया, ये भी कई बार पूछते थे। तो आपने जा रखना है कि तेथिस सी वाला थोड़ा सा अभी भी पार्ट हमारा कहाँ पे है, ये मेडिटेरेनियन सी पे। अभी तो हमारा ये हमारा प्रेजेंट इंडिया है, तो जहाँ पे आप देख रहे हो कोलिजन हो चुकी है, जहाँ पे अच्छी सी हाइट भी सबसे ज़्यादा इन्होंने में अटेन कर ली हुई है, कहाँ पे, वर्ल्ड में। इनकी हाइट इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ती रह रही है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा बिल्ट हो रहा है बार बार। अर्थ के जहाँ पे क्यों ज़्यादा आ रहे हैं, अभी भी हमारी क्या हो रही है, जहाँ पे कोलिजन क्या हो रही है, कोलिजन की वजह से हमारा क्या हो रहा है, जहाँ पे प्रेशर बिल्ट होता है। अब कोई हमारी क्या हो रही है, सब डक्ट तो कोई प्लेट नहीं हो रही, जहाँ पे कोई भी दोनों क्या कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो वो क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रेशर बिल्ड कर रही है, उसकी वजह से ही हमारा यहाँ पे क्या बनता है, अर्थ की एक से भी हमारे ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, ये भी आपने जा रखना है। तो तेथिस सी का अगर पूछे अभी है कहीं, तो आपने बताना है कि मेडिटेरेनियन सी में इसका कुछ पार्ट्स अभी भी प्रेजेंट है।
देन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको डिटेल में कराऊंगा कि फिजिकल डिवीज़न ऑफ किसकी हिमालयस की हम कैसे करते हैं, क्या क्या इसमें इम्पॉर्टेंट है, जो भी होगा वो मैं आपको इसमें कवर करा दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। फॉर्मेशन पे आप मैंने आपकी आज रखी हुई थी वीडियो। ओके, थैंक यू।